Hey guys, welcome back to the channel. This is Mr. Snooki J. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं अभी उठा था. उठ गया वैसे तो पापा मम्मी और भाई चर्च गए हैं और कार्तिक सो रहा है. ये रात को सो यहाँ रहा था और पहुँच यहाँ पे गया पता नहीं कैसे. सोफे पे चला गया अपने रात को. सो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश व्रेश होता हूँ उसका ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं. और आज ना मैं उठा तो मतलब थोड़ा सा फ़ोन वोन चला रहा था तो एक क्लिप आ गई उस पर फेसबुक पे कि मतलब सूर्यवंशी मूवी का वो आ रहा तो मेरा दिल करा कि वो पूरी मूवी देखूँ. सो अभी फ्रेश फ्रेश होता हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हुए आज सूर्यवंशी मूवी देखूँगा. सुबह ही सुबह देख लो 11 बजे ना और मैं दिल कर रहा है सूर्यवंशी मूवी देखने का. अभी फ्रेश होकर सो आया हूँ मैं. अभी कर रहा हूँ साथ में ब्रेकफास्ट और अभी देखूँगा मूवी. अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ ड्यूटी जाने के लिए. अभी पापा मम्मी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि बस अभी 1 बज रहा है तो दोपहर के 1 हो रहे हैं तो पापा मम्मी बस 2 बजे तक आ जाएंगे. तो अभी क्योंकि कार्तिक घर पे अकेला तो मुझे रुकना पड़ेगा तो बस अभी पापा मम्मी आ जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगा ड्यूटी. उसको छोड़ के चला जाऊँगा फिर. ठीक है. सो अब मैं ड्यूटी जाऊँगा तो फिर मिलते हैं आपको रात को. तो अभी घर आया हूँ जस्ट अभी एंटर कर रहा हूँ. ओह बड़ी गर्मी है तो अभी बस फ्रेश चेंज वेंज करता हूँ नहाता हूँ फिर मिलता हूँ. उसके बाद तो 9:30 हो चुके हैं. मतलब ये सोच रहा हूँ कि बाहर जाता हूँ अभी कहीं क्योंकि सारा दिन बस ये है कि काम करते रहो घर में पड़े रहो कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं किया ना तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो देखता हूँ अभी जाता हूँ कहीं बाहर नहा लूँ पहले एक बार फिर पापा मम्मी से पूछूँगा जाने देंगे या नहीं देंगे. सोच तो मैंने लिया पर कोई नहीं देखते हैं अभी बात करता हूँ फिर उसके बाद जाता हूँ. सो नहा लिया मैंने अभी अभी करते हैं डिनर. उसके बाद अभी मेरा मन कर रहा है वो मोहब्बत शरबत पीने का. आप सबको पता ही होगा जो दिल्ली वाले हैं सबको पता ही है कि जामा मस्जिद का बहुत फेमस है वो ड्रिंक मतलब. तो अभी डिनर करता हूँ उसके बाद देखता हूँ मम्मी से पूछता हूँ कि जाने देंगी नहीं जिंदगी और लग तो नहीं जा रहा क्योंकि 10 बजने वाले हैं 9:30 ही हुए वैसे तो पर ऐसा कुछ कहेंगे भी नहीं क्योंकि पर अभी देखते हैं. चलो डिनर करता हूँ उसके बाद फिर जाता हूँ जामा मस्जिद और पूछता हूँ अभी अगर जाएगा तो तुम दोनों चले जाएंगे. मैं स्कूटी का अरेंज कर लूँगा क्योंकि स्कूटी मेरे पास तो नहीं किसी दोस्त से ले लेंगे चलेंगे. तो यार अभी हम जाने वाले थे ना मैं और अभी जाने वाले थे मतलब मोहब्बत शरबत पीने लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली उसकी भी मैंने आपको बताया कि उसकी मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब है. अभी तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि कैंसिल हो गया वो भी नहीं आया फिर मैं अकेले मैं ही क्या जाऊँ. तो मैंने मम्मी से भी नहीं पापा से भी पूछा नहीं तो मैं क्योंकि पता जाना ही कैंसिल हो गया बेसिकली तो आज का प्लान तो कैंसिल है यार. ओहो क्या कर सकते हैं. इसका भी कुछ नहीं कर सकते ये सारा दिन तंग करता है यार. ये जिसने जुकाम दिया ना मुझे क्यों ये भाई जा रहा है डंडा लीश वगैरह सबको लेके हो रही हो घुमाने क्योंकि नीचे डॉग्स वगैरह होते हैं तो बड़ा डंडा रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स आप देख लोगे परेशान हो जाओगे इतने बड़े बड़े स्ट्रीट डॉग्स हैं इतने बड़े बड़े हमारा ओरियो के सामने भी ओरियो से भी बड़े बड़े डॉग्स हैं. अभी ओरियो थोड़ा मतलब जिसने हाइट है काफी चीज लेकिन इससे भी बड़े बड़े डॉग्स हैं वो. मुझे लेके जाओ बाहर. और अभी बाहर से क्या है ये भैया जी टॉयलेट गए टॉयलेट ये देखो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं ये टॉयलेट वॉशरूम कहते हैं वॉशरूम. तो वो देखो कौन है ये देखो. सो आज एक बड़े गंदा सीन हो गया मम्मी के साथ. मम्मी का जो फ़ोन है ना यार वो टूट गया. अभी आज तो मैंने कुछ किया नहीं लेकिन कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा थोड़ा और सुबह जो है ना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सुबह दिन में ही अपनी साइकिल लेके जाऊँ और ठीक कराऊँ क्योंकि थोड़ा सा ये भी पड़ रहा है मेरा पेट क्योंकि मैं मोटा भी हो रहा हूँ अभी और वेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरा 108 पहुँच चुका है अभी वेट.
लगता नहीं है देखने में मेरे को, सब मतलब किसी को बताता हूँ ना, कोई पूछता है तो बताता हूँ कि 108 है, तो सब कहते मानते नहीं कि 108 होगा, पर चलो मुझे पता है कि 108 है और वैसे भी बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। तो कल मैं सुबह उठूँगा टाइम से और साइकिल ज़रूर ठीक कराने लेके जाऊँगा, और उसका टायर जो है ना उसका, अगर तो ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं नया ही डलवा दूँगा उसमें कल ही, सो देखते हैं अभी। लेकिन सुबह जल्दी उठना है और अभी एक रूटीन बनानी है एक्सरसाइज करने की। गाइस मैं खुद रूटीन बनाता था पर मेरा जो अलार्म है ना वो बजता ही नहीं है, क्या करता। अलार्म नहीं बजते तो उसने एक दिन मेरे सामने की बात है, ये सो रहा था, ये ऐसे ही सो रहा था और फोन इसके पास में पड़ा इतनी जोर जोर से, मैं खुद गहरी नींद में सो रहा था, मैं इसके अलार्म से उठ गया लेकिन इसके कान के पास पड़ा था, उसको तब नहीं सुनाई दिया फोन। मैंने उठ के फिर उसको मैंने उलाया, मैंने कहा देख तेरा अलार्म बज रहा है, तूने लगा रखा है। मैं पता नहीं, एक तो अलार्म लगा लेगा और लगाएगा ऐसे नहीं कि अभी का लगा दिया कल का लगा दिया, लगाएगा पूरे पूरे हफ्ते का, अब हफ्ते का कर एवरी डे कर देगा उसमें, बस हर रोज बजता रहेगा, उठता है नहीं, ये बस ऐसे ही ड्रामे मारता है। ये एक साइंस है। इसके ऊपर वो लिखा हवा जाती है, वो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैसे जाती तो कहीं ना कहीं हम पे भी है लेकिन फिर भी इतना नहीं मैं करता जितना ये करता है। चलो कोई बात नहीं, होता है। पर चलो कोई नहीं, अभी आज तो कुछ नहीं किया, आज दिन को कहीं भी यूटिलाइज नहीं करा, बस सुबह उठा मैं, ब्रेकफास्ट किया, मतलब फ्रेश व्रेश होकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैंने मूवी देखी सूर्यवंशी। लेकिन यार मज़ा आ गया मूवी देख के, पता नहीं देख लो इन कब की मूवी बनी हुई, और अभी भी देखने को ना वही मज़ा आता है सेम जो फर्स्ट टाइम देखी थी, मतलब हमारे टाइम पर तो नहीं बनी थी लेकिन उसके बाद ही पैदा हुआ था, तो यार कब की बनी हुई तो ये नहीं पता। चलो जो भी है, पर गाने बहुत मुझे मज़ा आया था। हाँ गाने बहुत हैं इंडियन मूवीज में, और है कि आधी मूवी अगर आधी मूवी तो आधे गाने हैं पूरे, दो घंटे की मूवी तो उसमें एक घंटे के गाने ही होंगे या आधे या पौने घंटे का तो गाने होंगे ही होंगे। हमने अभी आधी मूवी देखी है। सो उन सब बातों को छोड़कर अभी मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि कल से सुबह जल्दी उठाऊंगा मैं और कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूं, भले छत पे ही जाऊं या वॉक करूं या कुछ भी करूं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ जो है ना अपने आप को एक डेली रूटीन में लाऊं, क्योंकि ऐसे सही नहीं है यार, बॉडी वेट बहुत बेकार हो रहा है, लोग मुझे देखेंगे कल को जब मैं फेमस हो गया तो कोई बात नहीं। चलो तो मैं आपको ना एक्चुअली इसका जो चैनल की बात है ना, जो ये कह रहा है कि मेरा चैनल जो है वो उस पर सब ये क्या, तो तू बता तू क्या कह रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, बहुत दिन हो गए उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं डेली वीडियोज डाल रहा हूँ, व्हाट्सअप पर डाल रहा हूँ, प्लीज़ वो चीट लोग देखते नहीं है और ऐसी उसको देख के साइड में कर देते हैं, तो प्लीज़ लाइक मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ इसका जो रियलिटी है जो असलियत में होता है, ये क्या करता है, ये वीडियो बनाता है, ये 2-3-4 दिन कंटिन्यू डालता है, उसके बाद इसका गैप आया तो सीधा 7 दिन का 8 दिन का 10 दिन का। ये वैसे अपने व्लॉग्स में कहता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा लेकिन डेली व्लॉगिंग नहीं करता, तो इसका यही एक फॉल्ट है कि ये अपनी वीडियो जो है रेगुलर नहीं डालता। ये इसको मैं रोज़ कहता हूँ कि सुबह उठता है, अभी तो चलो अब वो हो गया, अब पीछे टाइम से लेकर अभी तक में देखा जाए तो अभी तक इसने वीडियोस तो बहुत सारी डाली, 500 से ऊपर वीडियो डाल चुका है ये अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन इस ये रेगुलर नहीं है उस पर, ये कभी 1 महीने के बाद डाल रहा, कभी 2 महीने के बाद डाल रहा, तो इसलिए फिर कहाँ से एंगेजमेंट बनती है। अभी मेरी एंगेजमेंट बन चुकी धीरे धीरे आप लोगों के साथ, सो कोई बात नहीं, जो मेरे 120 सब्सक्राइबर्स हो गए थे पिछले चैनल पे, आप जो देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं आप मेरे सबसे दिली करीब हैं, सो ऐसी वीडियोस को प्यार देते रहना, इसको सपोर्ट करना, इसको भी सपोर्ट करना, लेकिन इसको तब करना जब ये रेगुलर हो, क्योंकि जब तक इसकी लाइफ में रेगुलरिटी नहीं आएगी ना, क्या कह रहा है आपकी लाइफ में भैया बहुत है वैसे कुछ। अच्छा अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा जो डेली, अब मैं डेली व्लॉग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मेरा डेली व्लॉग जो है वो 8 बजे आ जाता है, सुबह के 8 बजे मैं करेक्ट 8 बजे डाल देता हूँ, मतलब रात को एडिटिंग कर लेता हूँ, ये कभी सुबह उठ के मैं एडिटिंग कर लेता हूँ और 8 बजे के शेड्यूल पे लगा देता हूँ वीडियो, तो करेक्ट 8 बजे डल जाती है, तो आप लोग 8 बजे जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं, और अभी डल चुके हैं आप अभी देख रहे हैं और अभी आप वीडियो देख ही रहे हैं। सो आज के लिए मैंने इतना ही क्या, मतलब कुछ किया ही नहीं वैसे तो। सो हाँ अगर आपको ये वीडियो आपने अब यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक और शेयर करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना तो मत जाना, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और इसके चैनल का भी सेम करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।